कितना बज गया, 6:30 बज गए क्या यहीं? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सफ़र में। और आज हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके ग्रॉसरी शॉपिंग करने, है ना इंटरेस्टिंग? तो कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं बताऊंगी, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। हम लोग पहुंच गए हैं क्वींस स्ट्रीट टर्मिनल और यहाँ से बसेस की जो सर्विस है वो 24 आवर्स है, तो कभी भी हम लोग यहाँ पे आके बसेस ले सकते हैं। और मेरे सामने ही बस स्टॉप है, तो अभी हम लोग जाते हैं और देखते हैं हमें कौन सी बस मिलती है। सिंगापुर में वुडलैंड चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मलेशिया में। और सिंगापुर चेक पॉइंट में तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 5 मिनट्स में हमारा इमिग्रेशन हो गया था। और अभी यहाँ पे देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगता है। वैसे हमारी बसेस ने हमें यहीं पे उतार दिया, तो हमें वॉक करके जाना पड़ रहा है। हम लोग अभी हैं मलेशिया में और यहाँ पे हमारा इमिग्रेशन भी जल्दी ही कंप्लीट हो गया, 10 मिनट हमें लगे। और चलिए मैं रिवील करती हूँ कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं जोहर बहारु, मलेशिया का एक स्टेट है जो कि सिंगापुर के बहुत ही पास है। हम लोग पहुँच गए हैं लेगोलैंड। हमारी लेगो चैंपियन लेगो को तबाह करती हुई और इसने लेगो को पूरी तरीके से बिखेर दिया है, जिसे हमें समेट के जाना पड़ेगा। मैजिक शो देखा जो कि क्रिसमस स्पेशल था और यहाँ पे क्रिसमस के उपलक्ष में ये सब लगाया गया है। और अभी जो है वो डांस चल रहा है मेरे पीछे। तो अब 3 बजे वापस से यहाँ पे मैजिक शो होगा। वैसे तो हमने देख लिया है मैजिक शो, आप बताइएगा देखिए आपको कैसा लगा यहाँ का मैजिक शो। लेगोलैंड की यही स्पेशलिटी है कि यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें जो है वो लेगो ब्रिक जो होती है उससे बने हुए देखेंगे। तो अभी इन्होंने क्रिसमस आने वाला है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री भी है, वो भी इन्होंने लेगो ब्रिक्स से बनाया है। मेरे पीछे ये किड्स ड्राइविंग स्कूल है और यहाँ पे बकायदा बच्चों को ड्राइविंग सिखाई जा रही है और साथ में उनकी फोटो लेके उनको लाइसेंस भी दिया जा रहा है। तो ड्राइविंग स्कूल क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं, एक छोटा सा प्लेग्राउंड है बच्चों के लिए, तो यहाँ पे बच्चे लोग अभी इंजॉय करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या क्या है। वैसे बड़ा तो बहुत है लेकिन डिपेंड्स आप कितना इसको यूटिलाइज कर पाते हैं एक दिन में। इसलिए अगर आपके पास एनुअल पास है और आप फ्रिक्वेंटली यहाँ पे आना चाहें सिंगापुर से, तो बहुत ही ईजिली आ सकते हैं। सिंगापुर से आपको बस मिल जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके कैब लेके यहाँ पे आ सकते हैं। कैब से इमिग्रेशन के बाद, मलेशिया इमिग्रेशन पॉइंट के बाद कैब से लगभग 20 मिनट्स आपको लगेगा, 20 to 30 मिनट, और आप आसानी से लेगोलैंड आ सकते हैं। वैसे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे राइड्स भी हैं, लेकिन एक दिन में इतना सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा थकान भी हो जाती है। तो अभी बीच में हम लोग ब्रेक लेंगे, लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद देखते हैं अगर लोगों के पास एनर्जी बची होगी तो आगे कुछ करेंगे, नहीं तो यहाँ से फिर हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग आ गए हैं बच्चों के फेवरेट निंजा टेम्पल में और इसके अंदर है निंजा राइड, तो अभी जाके देखते हैं कैसा है।
और ये देखिए निंजा का स्वॉर्ड। ये निंजा का डिटेल लिखा है वेपन का, तो पढ़ते हुए चलते हैं क्या क्या मिलेगा निंजा को। निंजा राइड जो अंदर था वो नथिंग बट एक वर्चुअल रियलिटी गेम के जैसा बनाया हुआ है निंजा के बेस पे, और उसके लिए जो मिनिमम बच्चों की हाइट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, तो हम तो अलाउड नहीं थे उसके अंदर जाने के लिए, तो हमने अपना जो प्लेस है वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिप्लेस कर दिया और मैं बाहर आ गई। तो हमने हमारा लंच जो है वो यहीं पे लेगोलैंड में ही किया था, इनका रेस्टोरेंट में। इनसाइड अगर आप लेगोलैंड का लंच वगैरह करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन हाँ आउटसाइड फूड अलाउड भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी। तो हमने लंच कर लिया और मेरे पीछे ये लेगो ब्रिक्स वगैरह से सारे स्टेट के और मलेशिया के स्टेट के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, और साथ में अलग अलग कंट्री के, एशियन कंट्री के भी यहाँ पे आर्किटेक्चर, इन्होंने जो फेमस आर्किटेक्चर है वो सब बना के रखा है, जो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बाहर जा रहे हैं, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जाएंगे मॉल। यहाँ का एक मॉल है, शायद केएसएल मॉल जाने वाले हैं हम लोग, तो कैब बुक करेंगे और कैब से ही मॉल जाएंगे हम लोग, क्योंकि कैब वगैरह जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप इजीली उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो अभी मॉल जाएंगे, और बीच में बारिश भी होने लगी थी लेकिन अभी बारिश बंद हो गई है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। हम लोग मॉल जाएंगे, फिर वहीं पे डिनर वगैरह का देखेंगे, और उसके बाद वापस सिंगापुर के लिए वहाँ से निकलेंगे। तो मॉल में जाके देखूंगी, अगर मुझे चीज़ें थोड़ी सस्ती लगी तो मैं कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी, और अगर लगा कि नहीं इट्स लाइक सिंगापुर ओनली, तो फिर शॉपिंग करने का ऐसा कोई खास प्लान नहीं है, अगर सस्ती मिली तो ही शॉपिंग करूंगी। वैसे राइड्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो एक दिन में तो सब कुछ कवर करना मुमकिन नहीं है। हमने ईयरली पास लिया है, तो देखते हैं कि फिर कब आ सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर पार्क और एक्वेरियम वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो आज तो हम लोग वाटर पार्क भी नहीं जा पाए और ना ही एक्वेरियम गए हैं, बस थीम पार्क को ही पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए। लेगोलैंड से निकल कर हम लोग आ गए थे केएसएल मॉल, और केएसएल मॉल में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था सुपरमार्केट, तो हम लोग चले गए सुपरमार्केट, फिर वहाँ पे हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग। और यस, वहाँ पे जो प्राइस है वो सिंगापुर के कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ती है, चीज़ें काफ़ी चीपर थी वहाँ पे, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली। तो अगर आप भी कभी यहाँ पे आते हैं तो शॉपिंग को अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं। मॉर्निंग से चलते चलते हमारी जो हालत वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, और पैरों की तो एकदम बैंड बज गई थी, तो अभी मैंने यहाँ पे करवाया है फुट मसाज, वो भी बस 38 रिंगिट में 30 मिनट्स के लिए। फाइनली हम लोग सिंगापुर रिटर्न आ गए हैं, और सिंगापुर से जोहर बहारू का हमारा ये डे ट्रिप थोड़ा टायरिंग हो गया है, क्योंकि एक्चुअली अभी बज रहे हैं 12, और मलेशिया इमिग्रेशन में थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वन डे ट्रिप सिंगापुर से जोहर बहारू का कैसे प्लान करना है, तो वो हम आपको अलग से डिटेल वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि एक दिन में आप जाके आसानी से टाइम पे घर भी वापस आ जाएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लिए इतना ही, जल्द ही आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।